हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स के कुछ एमसीक्यूज, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो डिफेंस एग्ज़ाम्स में आए हैं। और कौन से एग्ज़ाम्स में कब कब ये क्वेश्चन आए हैं ये मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के हों, टीजीटी पीजीटी हों, एनबीएस केबीएस हों, या आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। साथ ही डी ट्रिपल एस बी के भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। यानी कि कौन सा वो विक्टोरियन एज का पोइट था जो मोस्ट सेंसिटिव था और वो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन ओल्ड एंड न्यू के बीच में। ए टेनिसन, बी रोजिटी, सी ब्राउनिंग, या डी स्विनबर्ग। तो वो थे हमारे ऑप्शन ए, इसमें सही जवाब है वो थे टेनिसन। टेनिसन ही वो विक्टोरियन पोइट थे जो इन दोनों के बीच, यानी कि ओल्ड और न्यू के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट थे। यानी कि इनका जन्म हुआ था 1809 से लेकर 1892 तक ये जिए, और ये पोइट लॉरिएट भी रहे थे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के। और ये कौन से थे, विक्टोरियन, क्वीन विक्टोरिया के रीजन्स के थे, तो इस वजह से विक्टोरियन एज के ये फेमस पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, म्यूजिक द जेंटल ऑन द स्प्रिट लाइज देन ट्रायड आई लाइड अपॉन टायर आइज द अबाव लाइन अकर इन टेनिसन। यानी कि जो ये लाइन है कि म्यूजिक द जेंटल ऑन द स्प्रिट लाइड एंड टायर्ड आई लाइड अपॉन टायर्ड आइज, ये टेनिसन के किस वर्क की हैं। ए टीयर इडल टीयर्स, बी इन मेमोरियम, सी मॉर्ड, डी द लोटस ईटर्स। किस की हैं, टीयर आइडल टीयर की हैं, ये इन मेमोरियम की हैं, या मॉर्ड की है, या लोटस ईटर की हैं। तो इसका सही जवाब है लोटस ईटर, यानी कि डी की हैं। ये इनकी एक फेमस पोइम थी जो 1832 में पब्लिश हुई थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये एक मैरिनर्स की थी, ग्रुप ऑफ मैरिनर्स थे जो लोटस को खाते हैं जब वो एक आइलैंड में अल्टरनेटिव स्टेट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि एक आइलैंड में फंसते हैं जब की ये पोएम है लोटस ईटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेनिसन्स पोएम अबाउट वुमेन राइट्स एंड वुमेन्स स्पेयर इज। यानी कि कौन सी जो टेनिसन की एक पोएम थी जो वुमेन राइट्स की बात करती हैं, यानी कि महिलाओं की राइट्स की और महिलाओं के स्पेयर्स की बात करती है। ए मॉड, बी इन मेमोरियम, सी है इडल्स ऑफ द किंग्स, और डी है द प्रिंसेस। तो वो उनकी फेमस वर्क था द प्रिंसेस। द प्रिंसेस जो उनका वर्क था वो यानी कि वुमेन राइट्स के बारे में, वुमेन स्पेयर के बारे में। ये सैरियो कॉमिक था जो ब्लैंक वर्सेस में नैरेटिव पोएम थी, ये पब्लिश की गई थी 1847 में, और ये उनका एक फेमस वर्क था जो वुमेन राइट्स और वुमेन स्पेयर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी कि टेनिसन की कौन सी वो पोएम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि ये विक्टोरियन एज में काफ़ी रॉबर्ट बॉइंग इसके फेमस थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के, और ये एल टी ग्रेड में हमारे सिलेबस में भी है। ये माई लास्ट टचेज एक ग्रेटेस्ट वर्क है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, रॉबर्ट पॉइंट का। तो टेनिसन का कौन सा वर्क है, ए इन मेमोरियम, बी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिडेज, सी क्रॉसिंग द बार, और डी थिथोनस। कौन सा उनका ये एक फेमस वर्क है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का था, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन डी, थीथोनस भी है या थाइथोनस भी बोल सकते हैं। ये सारी ही उनकी फेमस वर्क है, चाहे मेमोरियम हो या द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हो या क्रॉसिंग द बार हो या थीथोनस हो, या आपको थीथोनस भी दिखेगा और थीथोनस भी दिखेगा, यानी कि एक में थीथोन भी होगा। थीथोन या थीथोनस दोनों ही हैं लॉर्ड टेनिसन की हैं। 1833 में ये लिखी गई थी और कंप्लीट हुई थी, यानी कि लिखना स्टार्ट करा था और कंप्लीट 1859 में हुई थी, और पहला एडिशंस ये क्रॉन हिल मैगजीन में 1860 में ये आया था थीथोनिया थीथोनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम द स्पीकर, यानी इन मेमोरियम जो है उसमें जो स्पीकर है वो एंड में क्या बोलता है।
re-embrace a Christian vision of afterlife. B. Reassert religious doubt and scientific skepticism. C. Retreat the Darwin view of social life. D. Reaffirms his faith in universal brotherhood. तो जो इसका सही जवाब है वो कौन सा है, वो है और सही ऑप्शन है वो ए है, जिसमें एम्ब्रेंस ए क्रिस्टन्स विजन्स ऑफ आफ्टर लाइफ, ये मेमोरियम की एंड है जिसमें ये कहता है कि क्रिस्टन्स विजन ऑफ आफ्टर द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन ओल्ड ऑर्डर चेंज द यील्ड प्लेस टू न्यू एंड गोल्ड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू दीज लाइन अपेयर, यानी कि ये जो लाइन है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्ड प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वे, ये इनकी से कौन सी वर्क की हैं, ए लॉक्सली हॉल, बी टू वॉइस, सी है मॉड डी ऑथर और डी है यूलिसिस। तो ये इसकी जो सही है वर्क वो है ली मॉर्टी डी ऑर्थर, इनका इनकी इनसे ये लाइनें ली गई हैं, उनकी ये फेमस लाइनें हैं और ये थॉमस मैलोरी को वर्क का वर्क है ये ला मेलोरी डी ऑर्थर, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने लिखी थी। Next question, question number 7. A poet laureate said, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I, who is the poet. Yani ki poet laureate the aur unhone ye line likhi thi ki I don't think that since Shakespeare there has been such a master of English language as I, who is the poet. A. Stephen Spencer, B. John Dryden, C. Alfred Lord Tennyson, E. Ted Hack. तो इसका सही जवाब है ये थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो पोइट लॉरिएट भी थे और ये उन्होंने कैलरिल शायद कार्लाइट को लिखी थी, कार्लाइल को ये लाइनें लिखी थी कि आई डोंट थिंक दैट सिंस शेक्सपियर दैट हैज़ देयर हैज़ बीन सच ए मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो कार्लाइल थी जिनको ये उन्होंने कहा था, ये बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पेस्ट्रल एलिजी, ये इनमें से कौन सी पेस्ट्रल एलिजी नहीं है पूछे हैं, ए लिसीडियस, बी इन मेमोरियम, सी थायरिसिस और डी है ऑडोनिसिस। तो इसमें जो है इन मेमोरियम जो पेस्ट्रल एलिजी नहीं है, बाकी लिसीडियस है, थ्रीसियस है, ऑडोनिसिस ये सारी हैं, क्योंकि ये उनके फ्रेंड जो उनके फ्रेंड थे एच हेलम की जो उनमें लिखी गई थी इन मेमोरियम, तो ये पेस्ट्रल एलर्जी नहीं है। पेस्ट्रल का मतलब वही ग्रामीण देहाती भेड़ बकरी चराने वाले वो शेपर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेनिसन पोएम इज नॉट मेयरली ए पेस्ट्रल एलर्जी बट आल्सो ए डीपली फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस ऑन रिलीजन साइंस एंड इमोरलिटी। ए लॉक्सी हॉल, बी मॉड इन मेमोरियम, डी प्रिंसेस, यानी कि जो टेनिसन्स जो थे उनकी जो पोएम वो एक नॉट मेयरली पेस्ट्रल एलर्जी नहीं है लेकिन बट आल्सो डीपली फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, फिलोसफिकल दार्शनिक रिफ्लेक्शन वो रखती है उन रिलीजियन साइंस एंड इमोरलिटीज पे, तो वो कौन सी है, जो वो भी वही है क्योंकि ये पेस्ट्रल एलर्जी नहीं है कहा है ना, तो वो इन मेमोरियम ही है जिसमें ये एक डीप फीलिंग रखती है, फिलोसफिकल है उससे मिलती जुलती है लेकिन पेस्ट्रल एलर्जी नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 10, इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, क्योंकि इन मेमोरियम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेनिसन्स की, तो ये भी वैसे ही इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसके लिए लिखी थी हमने डिस्कस करा अभी अभी, ए किट्स, बी थॉमस एनरोल या सी पी बी शैली या डी ए एच हेलम। अभी हमने ये डिस्कस करा ये उनके फ्रेंड ए एच हेलम्स की मेमोरी में उन्होंने ये पोएम लिखी थी 1849 में। एल्सन स्मिथन रॉट इन मेमोरियम एट द डेथ ऑफ, फिर देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया, टीजीटी में भी पूछा गया था, पीजीटी में पूछा गया, इन मेमोरियम किसकी डेथ पे लिखी है, ए हेलम, बी वर्ड्सवर्थ, सी बायरन, डी पी बी शैली। तो अभी हमने देखा था ये ए एच, वहाँ पे पूरा नाम दे दिया था, ए एच हेलम, यहाँ पर दिया गया है हेलम, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाई अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेन द फॉलोइंग लाइन. ये जो लाइन है वो अल्फ्रेड टेनिसन की किस पोएम से ली गई है. टू स्ट्राइव टू सिक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी कि टू स्ट्राइव टू सिक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये किसकी लाइन है. ए मॉड, बी यूलिसिस, सी इन मेमोरियम, या डी लॉक्सी हॉल. तो ये जो लाइन है वो यूलिसिस की हैं, यूलिसिस की ये लाइनें हैं जो 1842 में पब्लिश हुई थी या कंप्लीट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू. रिंग आउट द ओल्ड और रिंग इन द न्यू, ये जो हैं ये किसकी हैं. ए लेडी ऑफ शैलॉट टेनिसन्स, बी इन मेमोरियम टेनिसन, सी पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन, या डी नन ऑफ अबव. तो ये जो लाइनें हैं वो इन मेमोरियम की हैं जो टेनिसन्स की हैं, और उसी में था ये रिंग आउट वाइल्ड बेल, ऐसे था ये. तो रिंग आउट द ओल्ड और रिंग इन द न्यू, तो टेनिसन्स की ये पोएम ये भी थी रिंग आउट वाइल्ड बेल्स, इंक्लूड ये भी इसमें इंक्लूड थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन फेमस एलर्जीज, यानी कि अल्फ्रेड टेनिसन की एक फेमस एलर्जी कौन सी थी. ए डिसीडियस, बी एडोनिसिस, सी एलर्जी रिटन कंट्री चर्च यार्ड, या इन मेमोरियम. तो उनकी जो मतलब फेमस एलर्जी थी वो हमने देखी है अभी कौन सी थी. इन मेमोरियम है उनकी सबसे फेमस वर्क है जो पूछा गया है बार बार, उसकी मतलब उनके मोस्ट क्वेश्चन इन मेमोरियम से ही आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द लोटस ईटर वॉज कम्पोज बाई, द लोटस ईटर किसने कम्पोज की थी. ए पी वी शैली, बी अल्फ्रेड टेनिसन, बी मैथ्यून रॉल, और डी है थॉमस हार्डी. तो ये किसकी है फेमस वर्क, अल्फ्रेड टेनिसन की, यानी इन मेमोरियम के जाद उनके बाद जो उनका मोस्ट फेमस पोएम है लोटस ईटर्स है. लोटस ईटर्स उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये जो लोटस ईटर थी वो 1832 में पब्लिश हुई थी, और इंस्पायर थी, इंस्पायर हिज ट्रिप, जब वो ट्रिप पे गए थे स्पेन के अपने क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम के साथ, और वहाँ पर वो उसकी जो याद थी उनके जो वहाँ पर उसने देखा था, ये पोएम डिस्क्राइब करती है कि कैसे ग्रुप ऑफ मैनरर वो वहाँ पर उन्होंने लोटस खा रहे थे एंड पुट द अल्टरनेटिव स्टेट एंड आइसोलेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि वो ऐसे आइलैंड में फट गया था, फंस गए थे जो आउटसाइड वर्ल्ड था, और आइसोलेट एक तरीके से आइसोलेट जिंदगी वो जी रहे थे, और वहाँ पर वो लोटस को खाकर अपना ज़िंदगी बिता रहे थे. तो लोटस ईटर उस पर वर्क है, और स्पेन की ट्रिप पे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री है, वो स्पेन की ट्रिप पे गए थे अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट, यह पूछ किया गया कि उनके दोस्त जो थे एच हेलम या आर्चर हेनरी हेलम की मौत कहाँ हुई थी, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी. ए रोम, बी वियना, सी पेरिस, और डी लंदन. तो उनकी जो मौत हुई थी वो वियना में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है. और ये इनकी जो उनकी काफ़ी थी जो 22 ईयर की एज की थी जब उनकी वियना में मौत हो गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. टेनिसन वाज अपॉइंट पोइट लॉरिएट इन, टेनिसन्स मतलब कौन से साल में एज ए पोइट लॉरिएट अनाउंस किए गए थे, बनाए गए थे. ए 1850, बी 1854, सी 1849, या डी 1860. तो जो इसका सही जवाब है वो है 1850, 1850 में वो बनाए गए थे. और किसकी मौत के बाद बनाए गए थे ये भी बहुत बार क्वेश्चन आए कि वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद 1850 में ये बने थे एज ए पोइट लॉरिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन टेनिसन इन मेमोरियम इस, देखिए अब पूछ लिया गया है कि इन मेमोरियम में जो टेनिसन की एक फेमस पोएम है कितने पैराग्राफ्स हैं. ए 111, बी 121, सी 125, या डी 131. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ही है, 131 उनके टोटल थे, यानी कि 131 जो टोटल पैराग्राफ थे इस पोएम में टेनिसन के वर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. देयर नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर बट टू डू और डाई, दीज लाइन फ्रॉम द टेनिसन पोएम्स.
फ्रॉम किस टेनिसन की किस पोइम से ये फेमस लाइनें हैं कि देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर नॉट टू रीजन वाई, दे आर बट टू डू और डाई, इन मेमोरियम AHH, बी लॉक्सी हॉल 60 ईयर आफ्टर, सी एलएसएस, और डी है द चेंज ऑफ लाइट ब्रिगेड ब्रिगेड द चेंज ऑफ लाइफ ब्रिगेड. तो ये सी का ही है, ये ऑप्शन डी का ही है, द चेंज ऑफ लाइफ सॉरी द चेंज ऑफ लाइट ब्रिगेड का ये वर्क है, उसके उस वर्क की लाइनें हैं. और ये कब थी, 1854 में एक नैरेटिव पोइम में से ये ली गई है. काफ़ी म्यूजिकल लाइनें हैं ये बोलने में. और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच पोइम ऑफ टेनिसन्स वाज हिज फेवरेट, ए मोड, बी द प्रिंसेस, सी इन मेमोरी में, डी यूलिसिस. यानी कि टेनिसन स्किन में से कौन सी अपनी फेवरेट पोइम है, तो वो अपनी फेवरेट पोइम मानते थे मोड को, मोड उनकी फेवरेट पोइम थी. क्योंकि एक मोड एक स्टोरी ऑफ लवर हु पासिस फ्रॉम मोरबिडनेस टू एस्टेसी देन टू एंगर एंड मर्डर फॉलो बाई इनसेंसिटी ऑफ रिकवरी, दिस वॉज टेनिसन फेवरेट वन. तो ये थे टेनिसन के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs, या हम कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं. और ये मेरा मकसद था इन क्वेश्चंस को कराने का, ताकि आपको पता चल सके कि टेनिसन के कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स के क्वेश्चंस डिफरेंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं. तो इन क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस इन मेमोरियम के या लोटस ईटर्स के पूछे गए थे. तो आप इन दो वर्क को स्पेशली, अगर टेनिसन अगर आपके कोर्स में है, तो आप उनको ज़रूर कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अभी नाइस डे.